रोज की ट्रांसमिशन ब्लॉक में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल होश की कामना के साथ आनंद लेखनी ब्लॉक में सबका अभिनंदन है। आज के ब्लॉक के माध्यम से दोस्तों उत्तराखंड रामचरितमानस का सबसे अंतिम कांड है, जिसमें तुलसीदास जी ने पूरे रामचरितमानस के सार का संपूर्ण वर्णन भावुक और भक्ति भावों को सजोकर करने का प्रयास किया है, और जिसके अंतर्गत यानी काघुसंडी जी के चरित्र चित्रण का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी किस प्रकार वन से अयोध्या में आए और अयोध्या में उनका किस प्रकार से स्वागत हुआ, उसके बाद उन्होंने अपनी मर्यादाओं को कैसे सुनिश्चित करने के भावों का संचार किया और मानव चेतना को जगाने के का प्रयास किया। यही रामचरितमानस भगवान शिव भी कहते हैं कि प्रभु राम के बिना निज प्रभुमय देखहिं जगत कहिसन करहिं विरोध। शिव जी कहते हैं कि अगर इस संसार को अगर हम पूरे संसार को अगर पर राममय देखते हैं तो हम किसी से भी विरोध नहीं कर सकते। जगत को अपने प्रभु के से हरा भरा मानते हैं, देखने की कामना करते हैं, कल्पना करते हैं, और वास्तव में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के जीवन से हमें इस प्रकार के भावों का संचार मिलता है कि जिनके उनके चरणों में जिनका प्रेम हो जाता है वह हमेशा भक्तिमय हो जाता है। काम क्रोध मोह अनेक प्रकार की लालसाओं से सांसारिक मोह माया के बंधनों से टूट कर समाप्त करके जगत को अपने प्रभु इस संसार में प्रभु को अपने स्वरूप में यानी हरा भरा देखने की हम कामना करते हैं। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन दोस्तों रामचरितमानस में जगत के व्यापक रूप का विवेचन किया है, और यही कारण है कि बालकांड में व्यापक विश्वरूप भगवाना कहा है, व्यापक विश्वरूप भगवाना, और राम को विश्व रूप बताया गया है, और लंकाकांड में जगत को राम का अंग बतलाकर जगत की सत्यता अंग अंग प्रति जासु कहकर प्रतिपादित किया गया है। तो राम क्योंकि दोस्तों सत्य के प्रतीक हैं, इसीलिए जगत को भी सत्य माना गया है। ऐसा कहकर तुलसीदास ने न्याय दर्शन की भांति जगत को सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित होने का सत्प्रमाण माना। काघुसंड जी के चरित्र चित्रण से मन वचन और कर्म से जब काघुसंड जी पूर्ण रूप से भगवत भजन में लीन हो गए और भगवान की पूरी कृपा उनको प्राप्त हो गई, तब उन्होंने गरुड़ जी को और अनेक समाज को पशु पक्षी जो भी उनके लंबे समय तक के सत्संग के सानिध्य में गए थे उनको अपने मधुर और प्रेम अमृतवाणी वचनों से सत्संग करके उनको सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर राम भक्ति की कामना कल्पना और राम भक्ति में लीन होने के भावों का संचार किया। तो रामचरितमानस में दोस्तों जगत को कहीं सत्य कहा गया है तो कहीं असत्य कहा गया है। यह अंतर विरोध इसलिए दर्शित होता है जब जीव में ज्ञान का उदय होता है, जब उसे स्वयं को जगत सत्य लगने लगता है
इसी तथ्य को रामचरितमन निज प्रभु मय देखें जगत। जब भगवान के स्वरूप को, पूरे संसार को भगवान के स्वरूप जैसा हम देखने लगते हैं, कि सन करें ही विरोध, हम किसी से विरोध नहीं कर सकते। तो इसलिए उन्होंने इस प्रकार की समीक्षा की है तुलसीदास जी ने। और यही जगत जीव को अज्ञान के अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणों को दिखाने का प्रयास करते हैं। यही भाव तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में बड़े ही हृदयस्पर्शी ढंग से विवेचना की है। जो जगत के असत्य रूप की चर्चा बालकांड में असत्य देख दुख आई, और लंका कांड में सब रूप सदा सब हो ही ना सो कहकर उन्होंने सबके अंतःकरण को, अंतःकरण में इन भावों का संचार किया। और इसी के परिणाम स्वरूप सृष्टि और अर्थात जगत की प्रक्रिया के विषय में तुलसीदास ने वैष्णव वेदांत की माया और सांख्य योग की प्रकृति के समन्वय का विधान रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। उन्होंने जगत को राम के अधीन मानकर, जिस प्रकार काकभूषण जी ने पूरे संसार को राममय मानने के लिए गरुड़ जी को अनेक प्रकार से ज्ञान दिया, क्योंकि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के पूरे ब्रह्मांड और जगत के सांसारिक चीज़ों का पूरा दृष्टांत दिखा करके एक सूत्रता के सूत्र में बांध दिया, जिसके परिणामस्वरूप तुलसीदास ने रामचरितमानस में प्रकृति और परिणामवाद को समेटा है तथा ईश्वर परिणामवाद की प्रतिष्ठा उन्होंने की है। तो इस प्रकार के भावों से दोस्तों कल के प्रसंग में तब काकभूषण जी कहते हैं प्रभु मत्सर को ब्रह्मा कर सकते हैं और ब्रह्मा को मत्सर कर सकते हैं, यानी तुच्छ को वह ब्रह्मा के स्वरूप में अवतरित कर सकते हैं और ब्रह्मा को तुच्छ बना सकते हैं। ये शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष जो ज्ञानी लोग हैं सब संदेह त्याग कर श्री राममय हो जाते हैं। तभी कहा है विनिशीतं बदामि ते अन्यथा बचामि मे हरि नरा भजन्ति ये ते दुस्तरं पुरन तरन्ति ते, यानी मैं आपसे भली भांति निश्चय किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ। गरुड़ जी से कहते हैं काकभूषण जी, मेरे वचन अन्यथा अन्यथा मत लेना, इसको मिथ्या मत समझना, कि मनुष्य श्रीहरि का भजन करते हैं और अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर लेते हैं, जबकि ये संसार भवसागर से पार करना कोई आसान नहीं है, लेकिन परमात्मा के ध्यान में इस प्रकार का ही आ सकती है। तो तब कहते हैं कहो नाथ हरि चरित अनुपा व्यास समाथ स्वमति अनुरूपा श्रुति सिद्धांत हैं उर्गारी राम भजिय सब कार्य, यानी हे नाथ मैंने श्रीहरि का अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कहीं विस्तार से और कहीं संक्षेप में कहा। और सर्वों के शत्रु गरुड़ जी से वह कहते हैं कि श्रुतियों का यही सिद्धांत है कि सब काम भुलाकर छोड़कर श्री राम जी का भजन करना। तो इस संसार में दोस्तों सभी प्रकार के जीवों को परमात्मा ने सृष्टि में उत्पत्ति की है। सर्व जो है इतने विषैले होते हैं, लेकिन उनका भी भक्षण करने वाले गरुड़ जी हैं, जो विष विषैले चीज़ों को खा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं और राम भक्ति में वो भी लीन होना चाहते हैं। तो इस प्रकार ये जो विषैले प्राणी जो हैं वह मानव जीवन के लिए हानिकारक हैं, तो प्रभु रघुपति, लेकिन भगवान शिव ने ऐसी
विषैले सांपों को ही अपने शरीर में धारण किया, इसलिए उनको विषधर कहा जाता। तो प्रभु रघुपति तजि से ओंकाई मुई से षट परम ममता जाए, तब कहते हैं कि प्रभु श्री राम रघुनाथ को छोड़कर किसका सेवन भजन किया जाए। तो हम और भजन में भजन कर ही नहीं सकते, हम आस्तिक को छोड़कर नास्तिक की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि जिनका मुझ जैसे नीच से नीच पक्षी पर अपार स्नेह की से उन्होंने एक प्रकार से मानव चेतना सृष्टि की चेतना को जगाने का प्रयास किया, तो कौवे को कभी भी काघुसंडी जब कहलाए तो उनको यही मालूम नहीं था कि परमात्मा का मेरे ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद और मैं धन्य हूँ। तब वह कहते हैं तुम विज्ञान रूप नहीं हो, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है और आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की, नाथ की इन मोह पर अति छोड़ पूछो राम कथा अति पावन। तो काघुसनी ने जिस प्रकार से गरुड़ जी को पूरा संवाद विस्तार के साथ बताया, दोस्तों उसमें पूर्ण रचना है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मर्यादा पुष्प भगवान राम जी के काघुसनी के, और नारद मुनि सनकादि मुनि भी काघुसनी के लंबे समय तक के रचनों को सुनने के लिए किसी न किसी रूप में अवतीत होते हैं, क्योंकि मर्यादा पुष्प लोग भगवान रामचंद्र का उनके ऊपर वरदान प्राप्त हुआ, आशीर्वाद प्राप्त, कृपा प्राप्त हुई। तो पूछ वो राम कथा अति पावन सुख सन का आदि सुन, तभी कहा है कि जो अपने मुझसे यानी सुखदेव जी की सनकादि मुनि जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने उनसे ज्ञान की प्राप्ति की थी, तब सनकादि मुनि जो है उनसे मिलने के लिए आए थे, उनके दर्शन करने आए थे। शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र राम कथा पूछी और सत्संग दुर्लभ संसार, इस संसार में हमको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन सत्संग जो है प्रभु की कृपा से प्राप्त होती है, निमिष दंड भर एकों बार, क्योंकि पल भर का बार का भी सत्संग, अगर क्षणिक मात्र के लिए भी हम सत्संग के सानी में जाते हैं तो हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। तो हमारा जो अंतर चिंतन है, अंतर मन है, जो हमारी आत्मा है, वह सुख से भावभूत हो जाती है, सुख से प्रसन्नता से पुलकायमान हो जाती है। तो देख गरुड़ निज हृदय विचार, तब काघुसनी ने गरुड़ जी से कहा अगर तुम मेरे आश्रम में आ ही गए हो, भगवान शिव ने तुमको मेरे पास भेजा है और मेरे अंतर मन में जो प्रभु की भक्ति है उसी का मैं विस्तार से वर्णन कर रहा हूँ, और देख और तुम्हारे यहाँ आने पर पक्षी के राजा, पक्षियों के जो राजा हैं उनके दर्शन पा करके मैं कृतार्थ हो गया हूँ। तब कहते हैं देव गरुड़ ने हृदय विदार, हे गरुड़ जी अपने हृदय में इन बातों का विचार करिए, मनन करिए, ध्यान रखिए, क्या मैं भी श्री राम के भजन का अधिकारी हूँ, मैं रघुवीर भजन अधिकारी, और शकुना धम सब भांति अपावन, पक्षियों में सबसे नीच पक्षी में ही, और परमात्मा ने मुझे कौवे का रूप दिया जिसको लोग छूना भी अपवित्रता का मानक मानते हैं, मुझको छूने से भी लोग अपवित्र कहते हैं। तो ऐसे भगवान ने जो है जो जिससे मेरे से लोग दूर भागते हैं, उन भगवानों का मैंने अयोध्या में जा कर के 5 साल तक उनकी बाल लीला का जो सुंदर वर्णन सुना देखा, उनके साथ जब वह कहीं भी रहते थे तो मैं वहाँ जाता था, वो मेरे को भगाते थे और फिर मैं और आगे चला जाता था, मेरे को बुलाते थे। तो प्रभु मोई कीन बीति जग पाओ, तो परंतु ऐसा होने पर भी प्रभु ने मुझको कभी
सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्ध करते हैं। ये प्रभु की कृपा मेरे पर है अथवा मुझे प्रभु ने मुझको जगत प्रसिद्ध पावन बना दिया। इसीलिए कागभूषणी का नाम रामचरितमानस में एक पात्र के रूप में तुलसीदास जी ने मर्यादा वस्तु भगवान राम की भक्ति का सबसे हनुमान जी और कागभूषणी को सबसे सुंदर पात्र के रूप में वर्णन किया है। तब कागभूषणी कहते हैं आज धन्य में धन्य अति। तो ऐसे जीवन को पा करके मैं कभी जो सोच भी जो असंभव था असंभव को जो परमात्मा की कृपा से संभव हो गया तो आज धन्य में धन्य अति। तो आज मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नज़र में मैं धन्य का धन्यवाद का पात्र हूँ। जो कृपा मेरे ऊपर भगवान की है वह कृपा किसी और पर नहीं। तो निज जन जान राम वही संत समागम है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मुझे अपना निज जन जाना अपना सानिध्य अपने सानिध्य में मुझे अनुसरण दी और अपना कृपा पात्र बनाया और अपना बना करके मुझे जिस प्रकार से उन्होंने पूर्ण भक्ति के भावों मन वचन और कर्म से जिस प्रकार से मुझे आसक्ति दिलाई तो जानकर संत समागम दिया। संतों के संत समागम दोस्तों जहाँ पर संतों का संत जो है एकत्रित होते हैं अपने अपने ज्ञान का संचार करते हैं और अपने ज्ञान की पराकाष्ठा का उदय करते हैं। तो आपसे मेरी और यानी आपसे मेरी भेंट कराई यानी इसी संत समागम के परिणाम स्वरूप आप जो है लंबे समय तक सत्संग को सुनने के लिए परमात्मा ने आपको मेरे पास भेजा मैं वैसे भी धन्य हो गया। तो नाथ तथा मध्य भाष्य हूँ तो हे नाथ मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार अपने विवेक के अनुसार और अपने ज्ञान के अनुसार राख हूँ नहीं कछु को कोई भी चीज़ आपसे छुपा के नहीं रखा है कोई भी चीज़ गोपनीय रख सकता कोई भी चीज़ जो है आपसे छुपा करके नहीं रखा है। चरित्र सिंधु रघुनाथ को और श्री रघुनाथ जी के चरित्र समुद्र के समान जो चरित्र उनका है समुद्र के समान गहराई जिनके चित्त में है जिनके अंतःकरण में है क्या उनकी कोई था पा सकता है। वो अथाह हैं ज्ञान के समुद्र हैं धीरता के मानक हैं और आदर्शता के प्रतीक हैं। ऐसे भगवान का कृपा जिस पर होती है वो हमेशा के लिए धन्य हो जाता है और इस सांसारिक जीवन के अनेक प्रकार के भावबंधनों से मुक्ति प्राप्त करता है। तो इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास ने जो समान है इसी संबंध में दोस्तों आज के शुभ पंचांग की बात करते हैं। तो दोस्तों आज का पंचांग आज 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 1:18 तक अपराह्न और अक्टूबर आज जो है यह पूरे दिन तक रहेगा और सूर्य आज दोस्तों तुला राशि पर है और शिव योग का संयोग है 6:59 तक। उसके बाद जो है सिद्ध योग यानी 5:51 तक और उसके बाद जो है शादी योग करण यानी विष्टि 1:18 तक सायं बाद में दोस्तों बब यानी 1:19 तक अपराह्न और उसके बाद बालो है यानी आज का दिन सब प्रकार से सुख मंगलकारी और फलदायक माना गया है। और पुनर्वसु नक्षत्र का संयोग रहेगा चंद्रमा आज मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त दोस्तों संपूर्ण दिन आज अभिजीत मुहूर्त है। किसी भी समय हम किसी कार्य को कर सकते हैं केवल राहुकाल के समय छोड़ करके राहुकाल आज 12:05 से 1:30 तक है। इस दौरान हम किसी भी कार्य शुभ कार्य को नहीं करेंगे। उसके बाद संपूर्ण दिन जो है आज अभिजीत मुहूर्त का है और आज का अमृतकाल
3:46 से 5:25 तक है, ब्रह्म मुहूर्त 4:56 से 5:44 तक, और आज का सूर्योदय दोस्तों 6:28 पर सूर्योदय होंगे, सूर्यास्त जो है आज 5:42 का होंगे। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ पंच, और आज दोस्तों यानी आज जो है बुधवार का दिन है दोस्तों, बुधवार को भगवान गणेश जी और बुध देव की पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, उपवास रखा जाता है और विधि विधान के साथ पूजा करने का, बुध जो है भाग्य का मानक माना जाता है। अगर किसी जातक के ग्रहों में सभी ग्रह अगर कमज़ोर होते हैं, बुध अगर बलिष्ठ ग्रह पर बैठा रहता है, शुभ जगह पर बैठा रहता है, तो बुध से हमको भाग्य में कुछ न कुछ अवश्य जीवन में मिलता है, हम अपने भाग्य के भाग्य से मतलब सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो बुधवार की प्रकृति दोस्तों चर है और सौम्य माने जाते हैं, और यानी ज्योतिषों के अनुसार यह भगवान गणेश जी और लाल किताब के अनुसार दुर्गा माता का दिन माना गया है। और कमज़ोर मस्तिष्क वाले लोग जिनका बुध कमज़ोर होता है, तो वह उनको बुधवार का पूजन बहुत विधि विधान के साथ करना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, गणेश जी की पूजन करना चाहिए। प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी को माना जाता है, जिन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा से प्रथम पूज्य के रूप में वो अवतरित हुए। बुधवार के दिन उपवास रखना जो कमज़ोर मन के लोग या बुद्धि के लोग होते हैं उनको अवश्य करना चाहिए, उनकी बुद्धि कुशाग्र होती है और उनको अनेक प्रकार से सुखता का संचार होता है। तो इस प्रकार बुधवार को जल में जो जातक होते हैं इनर्जेटिक होते हैं, काफ़ी ऊर्जावान होते हैं और मधुर वाणी के वाले होते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं और तेज गति वाले होते हैं, विद्या और अधिकांश लोग दोस्तों प्रखर बुद्धि वाले होते हैं। बुधवार सप्ताह का तीसरा दिन और गणेश जी को समर्पित यह दिन बुधदेव और गणेश जी को समर्पित है। हिंदू धर्म में दोस्तों पूजा उपासना से को पूर्ण श्रद्धा और भावों से गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना चाहिए, मोदक अर्पण करने चाहिए गणेश जी को, और हरे कपड़े पहनाने चाहिए और गणेश जी का पूजन विधान विधि विधान के साथ करने पर अनेक प्रकार के हमारे कार्यों में सिद्धि होती है। सुखकर्ता दुखकर्ता गणेश जी को माना जाता है। गणेश जी जिस पर प्रसन्न होते हैं खुश होते हैं उनके कार्य प्रथम बार में ही संपूर्ण हो जाते हैं। और जिस दिन दोस्तों पार्वती ने गणेश जी को जन्म दिया, इस प्रकार का शास्त्रों का विधान है कि वहाँ पर बुधदेव भी कैलाश पर्वत पर उपस्थित थे, इसीलिए बुधदेव और तब भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। तो बुधदेव ने विनायक जिनको गणेश जी को विनायक भी कहा जाता है, रिद्धि सिद्धि कहा जाता है, तो प्रथम पूजी के रूप में विद्या बुद्धि और सुकृति के मानक माने गए हैं। और सौभाग्य और श्री और सौभाग्य के और के मानक के रूप में माने गए हैं। सर्व यानी गजा ननंग भूत गणा से तम कभी जम्बू फल जार भक्षण उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पात्र, यानी सभी विघ्नों को हरने वाले गजा नाथ विघ्नई वक्रतुंडाई धीमही तन्नो देवी प्रचोदया, यानी गजाननाय विघ्नई वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदया। श्री वक्रतुंड महाकाव्य पूरीकोटि संप्रभु संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवी कुरु मे देव सर्वकारी सर्वदा। गजाननाय विघ्ने वक्रतुंडाय
धीमे ही तन्नो देवी प्रचोदयाति और सूर्य कोटि संप्रभु संप्रभु विघ्ने कुरुमे निर्विघ्नं कुरुमे देव सर्वकार्य सर्वथा। तो गणपति प्रेरक उद्धरण और इस प्रकार के पार्वती और भगवान शिव के पुत्र के रूप में बुद्धि और धैर्य और बाधाओं के को दूर करने वाले हैं, ज्ञान की को प्राप्त प्रदान करने वाले गणेश जी की बुद्धि से जीवन की चुनौतियाँ, गणेश जी का जो जीवन में बुद्धि का संचार होता है तो अनेक चुनौतियों से हम सामना करते हैं, गणेश जी से अनेक प्रकार के शिक्षाएं हमको मिलती हैं, हम अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का संचरण करते हैं। माता लक्ष्मी ने गणेश जी को अपने दत्ता पुत्र के रूप में गणेश जी का को ग्रहण किया था, इसलिए दीपावली या शुभ कार्य में गणेश जी और माता लक्ष्मी जी का पूजन एक साथ किया जाता है। और इसी प्रकार उन्होंने वरदान दिया था कि जो मेरी पूजा और तुम्हारी पूजा नहीं करेगा उसके पास लक्ष्मी विराजमान नहीं हो सकती, इसीलिए गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करना रिद्धि सिद्धि जो है इनकी वही। तो गणेश जी हिंदू रिद्धि सिद्धि के दाता माने जाते हैं, गणेश जी हिंदू हाथी देवता के रूप में जब गजाननंग गज के ना के समान जिनका आनंद मुख है, जो सुरक्षा करें या हमारे जीवन की सुरक्षा करें, भूत गणा से तुम कभी जम्बू फलता लगूँ उमा सुदुम सो विनाश कार नमान विघ्नेश्वर बात करूँ, बाधाओं को हटाने के प्रति। और ऐसा शास्त्रों का विधान है कि कलयुग में गणेश जी का अवतार होगा, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। उनका नाम धूमकेतु, जो समाज में फैल रही जो बुराइयां हैं उनका उनको दूर करने के लिए लोगों में सद्बुद्धि का प्रचार प्रसार करेंगे। तब गजानन भगवान अपने इस अवतार को प्रकट करेंगे, ऐसे हमारा शास्त्र में कहा गया है। तो गजाननाय विघ्ने वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दंतो दंती प्रचोदया गजानन भूतगणा सहितम कभी जम्बू फलता लक्ष्म उमा सुतुम सो विनाशकार नमा विघ्नेश्वर पात वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभु निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य सर्वथा। इस प्रकार ओम गणपति नमः, ओम गणपति नमः का ध्यान करना चाहिए, भगवान गणेश जी को दुर्वासन करना चाहिए, गणेश जी का पूर्ण भाव से पूजा करने से अनेक प्रकार के हमारे जीवन में शुचिता के भावों का संचार होता है और हमारे जीवन में ज्ञान का। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कागभूषण जी के माध्यम से हमारे जीवन के लिए और गरुड़ जी के जीवन के लिए संतोष साधना को सर्वोपरि माना, यानी प्रभु भक्ति में दीन होकर के संतोष साधना का से मानव जीवन का कैसे हम लाभ कर सकते हैं, कहें मनुष्य की सुधा का मनुष्य की जो सुधा का अंत नहीं है, क्योंकि मनुष्य अनेक प्रकार के सुदृढ़ बनना चाहता है, मजबूत बनना चाहता है, क्योंकि वह लाखों करोड़ों की संपत्ति होने पर वो उसको संतुष्टि का एहसास नहीं होता है। तो अनेकों प्रकार के रुपये पैसे इत्यादि धन संपत्ति गोधन गजधन बाय धन और रतन धन धान जब आवे संतोष धुनि धन सब धन धूरी सुना। तो कहने का तात्पर्य है कि दोस्तों अधिक संपत्ति रखने के बावजूद ऐसे व्यक्ति को अभाव बोध होते रहना, जितना उनके पास आता है उतना हमको हमारे जीवन में फिर भी हमारा मन नहीं भरता है। तो मन तृप्त का रास्ता केवल प्रभु भक्ति है और व्यक्ति को अभाव बोध होते रहना और अपरिग्रह विरोधी भाव होते हैं, इसका उसके देह और मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो शरीर और मन की अत्यधिक
लोभ लालसा में बांधकर मनुष्य जरूरत से अधिक धन संचय करने की इच्छाएं अपने अंतःकरण में व्याप्त करता है। तो इसीलिए मन विश्राम नहीं पाता है, मन में हमारा संतोष की अनुभूति नहीं होती है। और अनेक बार हमारे अंतःकरण में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि शरीर को संतुष्ट करने की लालसा में मनुष्य स्वाभाविक परिश्रम करता रहता है। इस क्रम में वह अपने शरीर को सामर्थ्य से ज़्यादा बोझ डालता है। जब हम अपने कार्यों को बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, धन के महत्वाकांक्षा के लिए जब हम अपने कार्यों का प्रचार प्रसार करते हैं, तो हम रात दिन सब कुछ छोड़ करके उसी चिंतन में डूबे रहते हैं, जो हमारे लिए एक प्रकार से अभिशाप बन जाता है। और हम केवल कहने मात्र से ही धनी कहलाएंगे, लेकिन हमारे अंतःकरण में कितना असंतोष है वह हम अगर किसी धनवान या जिसके पास महान संपदा है उनको उनके पास जाकर पूछते हैं, तो उनका जीवन सामान्य आम आदमी से कुछ और ही मिलता है। तो वही व्यक्ति दोस्तों शरीर पर सामर्थ्य के अतिरिक्त बोझ देकर जो धन या संपत्ति वह उपार्जित करता है, उससे तृप्त रहने का नाम संतोष साधना है। तो संतोषम परम सुखम की अनुभूति उसको नहीं होती है। तो तोष शब्द का अर्थ है संतोष, तोष शब्द का अर्थ है मन के आराम की अवस्था, और संतोष का अर्थ हुआ सभी प्रकार से आराम की अवस्था में आना, यानी हर प्रकार से दैहिक भौतिक तापों से छुटकारा पा करके संतोष की प्राप्ति को करना। हालांकि संतोष साधना का उद्देश्य यह नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार ठग ले या आप उसके ऊपर अत्याचार करें और आप उसे सह लें। तो अस्तित्व की रक्षा के अपने अधिकार को अपने न्यायोचित भावना का त्याग करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। उसके लिए हमें जो भी करना हो वह करना पड़ेगा, लेकिन जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य को सदैव संग्राम करते रहना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जीवन भर संग्राम किया, अनेक राक्षसों से उन्होंने युद्ध किया, अनेक प्रकार के इस प्रकार जो मानव जीवन को उन्होंने किसी प्रकार के परेशानियों का उल्लेख नहीं किया। केवल हमको रामचरितमानस के अनुसरण से यह पता चलता है कि उन्होंने अपना जीवन कितना दुविधामय और परेशानियों से गुजारा। तो रामचंद्र का जीवन दोस्तों इतना आसान नहीं था। ऐसे जीवन को परिलक्षित करना, परमात्मा के स्वरूप में जब उन्होंने अवतार लिया, वही कर सकते हैं। सामान्य व्यक्ति ऐसे आदर्शमय या जन कल्याणकारी कार्यों को करने में असमर्थ रहता है। जब तक काकभूषण जी की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद उन पर न हो, तो जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए मनुष्य को सदैव संग्राम तो करना चाहिए, लेकिन इस क्रम में कभी भी अति लोभ करना और लोभ के वश में होकर अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को नष्ट कर संतोष भाव के विपरीत नहीं जाना चाहिए। तो चूंकि मनुष्य अवसर अपने सुख भोग के लिए लोभ वृत्ति के वश में आकर अपने सामर्थ्य से अधिक उपार्जन करता है, करने का प्रयास करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह जीवन रहते रहते तो परेशान रहता है, उसके बाद भी वह अपने साथ दुख की बेला को ले जाता है। इसके चलते शरीर और मन के स्तर पर असंतुलन पैदा हो जाता है। और जब तक आत्मा भौतिक शरीर में आत्मा रहती है, उसका आध्यात्मिक रूप से वह हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता है, और हम हमेशा परेशानी का जीवन यापन करते हैं और हमें वास्तविक सुख की अनुभूति नहीं होती। अय निज प्रवृत्ति गणना लघुचित सानम उदार चैतानम तो वसुदेव कुटुंबकम। तो वसुदेव कुटुंबकम की भावना तभी हमारे अंदर आएगी जब हम परमात्मा यानी
अपने कर्म भावों को करते हुए परमात्मा की आसक्ति में लीन हुए अपने जीवन को चरितार्थ करें। तो इसी प्रकार दोस्तों आज के प्रसंग में सुमेरे राम के गुणगण नाना पुण्य पुण्य हर्ष भूषण के सुझाव। तो उत्तराखंड में दोस्तों गरुड़ जी और कागभूषण जी का वर्णन ही व्यापक रूप से तुलसीदास ने किया है। वह इसीलिए किया है कि दोस्तों पूरे रामचरितमानस में अनेक प्राणियों से मर्यादा पुरुष भगवान राम जी का सानिध्य हुआ, लेकिन गरो यानी कागभूषण जी को सबसे नीच प्राणी नीच पक्षी मानने के यानी अपवित्र पक्षी मानने पर भी उनने कैसे उनसे स्नेह रखा, यानी जाति धर्म अनेक प्रकार की इस चीज़ों को छोड़ करके मर्यादा पुरुष भगवान राम जी का चिंतन अंतिम पायदान अंतिम जगह पर बैठे हुए व्यक्ति के या जीव जंतुओं के लिए उनका जीवन इतना सार्थक था। तो सुमेर राम के गुणगण नाना तब श्री राम जी के बहुत से गुणों का स्मरण करके सुजान भूषण जी बार बार प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, पुलकायमान होते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, अपने जीवन को धन्य मानते हैं। पुण्य पुण्य हर्ष भूषण जी सुजान और महिमा निगम नेत करेगा, इनकी महिमा वेदों में नीतियों में यानी नेति नेति कहकर और गाई जाती है। आज भी जो है रामचरितमानस में कागभूषण जी का जीवन बहुत ही एक पवित्र जीवन के रूप में माना जाता है। अतुलित बल प्रताप प्रभुताई, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व सामर्थ्य अतुलनीय है, ऐसे मर्यादा पुरुषों भगवान राम जी का सानिध्य उनको प्राप्त होगा। तो यही बात वह गरुड़ जी को समझाते हैं। शिव अज पूज चरण रघुराई, तो जिन श्री रघुनाथ जी के चरणों को और शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजा जाता है, कहाँ इस एक नीच जाति का पक्षी और कहाँ शिव और ब्रह्मा जो इस सृष्टि के सृजन करता है, पालन करता है और संहार करता है, वह जो है भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरणों में हमेशा पूजते हैं। और मुँह पर कृपा परम जताई, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है, यही सबसे बड़ा स्वरूप है दोस्तों। अगर हम मानव जीवन में भी अगर हम प्रत्येक किसी भी प्राणी मात्र जो भी जिस प्रकार का है उसे प्रेम करना, स्नेह करना, उसको ज्ञान से सिंचित करना, यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। अस्वभाव को सुनम देखो, किसी का ऐसा स्वभाव कहीं न सुनने में आता है न देखने में आता है, परमात्मा का इस प्रकार का जो स्वभाव है तो कहीं भी इस सृष्टि में दोस्तों इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का आदर्श, इस प्रकार की मर्यादा, इस प्रकार का जो संस्कार है वह किसी के अंदर प्रतीत नहीं होते। अतः ये पक्षीराज कहीं थकी रघुपति सम्य करूँगी, अतः ये पक्षीराज गरुड़ जी मैं रघुनाथ जी के समान किसे गिनूं, किसे समझूं, उनकी तुलना में किसी से नहीं कर सकता। तुलसीदास ने कागभूषण के माध्यम से इस प्रकार की रचना की है। और एक पक्षी जो कि चांडाल होने का उनको वरदान दिया था उन्हीं के गुरु ने चांडाल पक्षी के रूप में, लेकिन उनको परमात्मा का किस प्रकार तब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी में कहा कि ये मेरा भगवान रामचंद्र जी कहा कि मेरा परम भक्त है और इसको किसी प्रकार का भी किसी से ये, तब शिव जी ने उनको जो है हमेशा इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और मनोवांछित इच्छा अनुसार वह कहीं पर भी जाने का उनको कहीं पर भी वह जा सकते हैं, इस प्रकार के भाव का सोचा। तो साधक सिद्ध विभूत उदासीन, साधक है, सिद्ध है और जीव मुक्त है, उदासीन विरक्त जो कभी कभी को भी दुख तक की सन्यासी कभी है, विद्वान है, कर्म रहस्य के जो ज्ञाता है, जो उनकी वास्तविकता को जानते हैं, सन्यासी हैं, योगी सूर सुता परिज्ञानी, योगी हैं, सूरवीर हैं, बड़े तपस्वी हैं, जो रात दिन तपस्या में लगे हैं, ज्ञान के पिपासु हैं और धर्मपरायण हैं, पंडित और विज्ञानी हैं, इतने प्रकार के जो स्वभावों से संचित
लोग हैं जो इस संसार में अपने भक्ति के मार्ग से, अपने साधना से, अपने सिद्धि से अनेक प्रकार के कवि बनते हैं, कोविद बनते हैं, विद्वान बनते हैं, कृतज्ञ रहस्यमय बनते हैं, सन्यासी बनते हैं, योगी बनते हैं और तपस्वी बनते हैं, शूरवीर बनते हैं, सुतापय और धर्मपरायण बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं, धर्मनिरत धर्मपरायण बनते हैं, पंडित और विज्ञानी बनते हैं। उन ऐसे परमात्मा के भक्ति से ऐसे 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 जीवन को प्राप्त करते हैं तरह इन बिनु श्री राम स्वामी। तब वह कहते हैं कि ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी के सेवक के बिना नहीं कर सकता। हजारों साल तक कोई साधना करे, सिद्धि करे, जीवन मुक्त करे, उदासीन यानी विरक्ति करे, कवि बने, विद्वान बने, कर्म ज्ञाता और सन्यासी बने, योगी बने, शूरवीर बने, तपस्वी बने, ज्ञानी बने, धर्मपरायण बने, पंडित बने, विज्ञानी बने, लेकिन जब तक मर्यादा वस्तु भगवान राम जी का आशीर्वाद नहीं होगा, कृपा नहीं बसेगी, तब तक वह वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता है। कभी कोविद कृतज्ञ सन्यासी, कभी विद्वान और कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी, तो राम नमामि नमामि नमामि, तब वह कहते हैं कि तरह न बिनु से मम स्वामी, ये कोई भी मेरे स्वामी जो जितने प्रकार के लोगों को बताया, जितने प्रकार के जितने प्रकार की साधनाओं से सिद्धियों से प्राप्त लोगों की जो गणना है, वह जब तक मेरे स्वामी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सेवन भजन नहीं करेंगे, तब तक वह ही भवसागर से संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। तो और तब वह कहते हैं राम नमामि नमामि नमामि, और मैं उन्हें श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, अनेकों बार नमस्कार करता हूँ, करोड़ों बार नमस्कार करता हूँ। शरण गई मोह से अगरासी, जिनकी शरण जाने पर मुझे जैसे यानी पाप राशि की शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं, जिनके केवल शरण में जाने पर अनेकों सांसारिक पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है, और हो ही शुद्ध नमा अविनाशी, उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो पाकभूषण जी ने जिस प्रकार से परमात्मा की भक्ति में लीन हो गए और अनेक प्रकार के साधक सिद्ध जीवन मुक्त और जीवन मुक्त उदासीन कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता जो है सन्यासी योगी शूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी, ऐसे लोग भी जब तक रामचंद्र की शरण नहीं पाएंगे तब तक उनका जीवन धन्य नहीं हो सकता। तो जासु नाम भव भेषज, जासु नाम भव भेषज हरण घोर प्रियसु, तब काकभूषण जी कहते हैं कि जासु नाम भव भेषज हरण घोर प्रियसूल सो कृपाल मोह तो पर सदा रहू। तब वह कहते हैं कि जासु नाम भव भेषज, जिनका नाम जिनके नाम का या जन्म मरण के रोग की अव्यर्थ औषध और तीनों भयंकर पीड़ाएँ आदि दैहिक है आदि भौतिक है और आध्यात्मिक दुखों से हम हमेशा के लिए मिट जाते हैं, मात्र परमात्मा के नाम और जन्म मरण के रोग अव्यर्थ जो हमारे जीवन में होते हैं, ऐसे भक्ति की औषधि और तीनों भयंकर जो पीड़ाएँ मानव जीवन में होती है, इस सृष्टि में तीन प्रकार के दैहिक भौतिक तापा है, यानी आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुख जो हमारे जीवन में आते हैं वो हरने वाले वही परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा भगवान राम जी। तो वे कृपाल श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें, तब सो कृपाल मुई तो परो सदा रहूं अंत, तब वह गर हमेशा दया करें, यानी वे कृपाल श्री राम जी मुझ पर और आप पर हमेशा सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें, उनका अगर आशीर्वाद रहेगा तो जितने भी योगी हैं, बड़े बड़े सन्यासी हैं, शूरवीर हैं, वह भी पूजा परमात्मा के आशीर्वचन परमात्मा की कृपा से भवसागर से पार नहीं हो सकते। तो सुनि भूषण की वचन स्वभाव देख राम पर, तब काकभूषण जी के इस प्रकार के मधुर अमृत रूपी मधुर वचनों को सुनकर के देख राम पद ने
श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर, यानी भगवान की भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित कागभूषण जी को देखकर बोले हूँ प्रेम सहित गिरा। हली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। अब गरुड़ जी उनसे क्या करते हैं, सुने भूषण जी के वचन सुबह, यानी भूषण जी के इस प्रकार से मंगलमय वचनों को सुनकर के, जो स्वयं के साथ गरुड़ जी को भी अपने उनके जीवन को सांसारिक मोह माया के बंधनों से दूर होकर के हमेशा के लिए इस सांसारिक दुख दैहिक दैहिक भौतिक तापों से भक्ति के प्रताप को प्राप्त करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति के लिए राममय बनाते हैं। सुन भूषण जी के वचन सुनो, शुभ देख ही राम पद ने। तब श्री राम के चरणों से उनका अतिशय प्रेम देखकर, जो अपार प्रेम की छवि कागभूषण जी के अंतर्गत में है, तो बोले हूँ प्रेम सहित गिरा। भली बात जो छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोलते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में जो है कागभूषण जी ने पूर्ण भावों से गरुड़ जी को पूरे शुरू से लेके अंत तक जितना भी वर्णन किया है, सभी वर्णों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कैसे लोगों का उद्धार किया, कैसे उन्होंने अयोध्या में किया और कैसे कागभूषण जी ने लंबे समय से सत्संग किया, उससे क्या उनको आशीर्वाद प्राप्त हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश भी जिनके चारों ओर शरण में रहते हैं, और अनेक प्रकार के जो सनकादि नारद हैं, सनकादि हैं और ब्रह्मा विष्णु हैं और उनकी सेवा में अनुरक्त रहते हैं जिनसे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो लेकिन जो अनेक प्रकार के शूरवीर हैं, भक्ति में लीन हैं और ऋषि हैं, मुनि हैं, शूरवीर हैं और अनेक प्रकार के प्रतापी हैं, तो वह भी जो है जब तक साधक है, सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, जीवन मुक्त हैं और विरक्ति जिन्होंने अपने जीवन से विरक्ति पा ली है, कवि हैं, विद्वान हैं, कर्म में जो अपने कर्मों के रहस्यों को जानते हैं, सन्यासी हैं, योगी हैं, शूरवीर हैं, बड़े तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, धर्मपरायण हैं, धर्म की नीति को जानते हैं, पंडित हैं और विज्ञानी लोग हैं, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जब तक उनकी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो भी इस भवसागर की दैहिक दैहिक भौतिक तापों से आदि दैहिक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों से और दूर, यानी आध्यात्मिक तीन प्रकार की पीड़ाएं मानव जीवन में या इस जो सृष्टि में जब कोई भी जीव पैदा होता है वह तीन प्रकार की पीड़ाओं से अवश्य गुजरता है, वह हैं आधिदैहिक और आधि भौतिक और आध्यात्मिक। तो उनको हरने वाले जो परमात्मा है, कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहे। तब उनके वचनों को सुनकर के, मंगलमय और राममय ऐसे वचनों को सुनकर, श्री राम के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर और अपार भक्ति के भावों के रहस्यों को सुनकर, भली भांति गरुड़ जी जो है उनके ऊपर उदासीन हो गए, प्रेम सहित वो अपने वचन बोलते हैं। तो कल के प्रसंग में दोस्तों गरुड़ जी क्या कहते हैं उनको सुनते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद किसी को भी प्राप्त हो सकता है और वह जब भगवान किसी भी रूप में हमारी परीक्षा लेते हैं तो वह स्वरूप हमको प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमारे जीवन में हमें हमेशा इस चीज़ के लिए सजग रहना चाहिए कि परमात्मा किस रूप में हमारे जीवन को कृतार्थ करते हैं। हमें अपने कर्म पथ पर चलते हुए निष्काम भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ, लगन के साथ और अपने कार्यों को शुचिता के साथ करते हुए कर्म पथ पर चलते हुए कर्मण्येवाधिकार सुमा फलेश्वराचनों की अभिव्यक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ करते हुए भक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की भक्ति और उनके आदर्श, उनकी मर्यादा और उनके जो कर्तव्य थे, जो उनके संस्कार थे, उनके अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस से कागभूषण जी के छोटे से चरित्र से हमको ज्ञात होता है।
तो परमात्मा किस रूप में किसको प्राप्त होते हैं, कागभूषणी जी को जीवन के जीवन को एक सबसे नीच चांडाल के रूप में जिनको 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 मतलब भगवान की सगुण भक्ति करने के लिए जब उन्होंने अनेक प्रकार के तर्क वितर्क किए तो तभी उनके गुरु को क्रोध आ गया, उसी क्रोध के परिणाम से उन्होंने उनको श्राप दिया। लेकिन अंततो गत्वा गुरु को भी पता चला जब जब आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी से प्राप्त हुआ कि परमात्मा ने आकाशवाणी की कि कागभूषणी जो है मेरे परम भक्त हैं और इनको लंबे समय तक के लिए साधना नहीं दी जाए, तब उनको जो है इच्छा मृत्यु का वरदान दिया और जहाँ भी वह जाना चाहते हैं। उन्होंने काग के रूप में ही अपने जीवन में राम भक्ति को करना रहस्यमय समझा और जिससे उन्होंने परमात्मा की भक्ति में वह लीन हुई। तो भक्ति का स्वरूप किसी भी रूप में हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के प्रेरणादायक विचारों में रामचरितमानस से हमको इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है कि परमात्मा का आशीर्वाद किसी भी रूप में किसी को भी प्राप्त हो सकता है। हमको अपने कर्म पथ में और भगवान के प्रति श्रद्धा और श्रद्धा भावों का संचार होना चाहिए और अपनी वाणी को विराम देते ही सबके मंगल घोष की कामना करते हैं।